जी हमने एक कंसेप्ट शुरू किया हमारे बेटी की बोलने मरियम की, जो लाइब्रेरियाँ है हम देखते हैं कि शहर में बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं लेकिन बच्चों के लिए कहीं भी लाइब्रेरी नहीं है। और आज के हालात में ऐसा हो गया कि जब लोग कहते हैं किताबें बच्चे पढ़ते नहीं हैं पढ़ते नहीं हैं, तो ये बात गलत है। हम उनको घर में किताबें ले आके देते ही नहीं है। हमारे घर में सब आ रहा है, खाने के पैकेट्स आ रहे हैं, मिठाइयाँ आ रही है, फल आ रहे हैं, लेकिन किताब नहीं आ रही। तो इसको हमने सामने देखते हुए ये किया कि महिला लाइब्रेरी खोली जाए जहाँ के बच्चों को फ्री में किताबें दी जाए। बच्चे आएंगे, किताबें ले आएंगे, पढ़ के ला के वापस करेंगे। तो हम इसमें कामयाब हुए हैं। अभी तक हमने शहर में 11 लाइब्रेरी शुरू कर दी है जहाँ पे बच्चों को फ्री किताबें दी जाती है। हर लाइब्रेरी से तकरीबन 200-300 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो हम समझते हैं कि कम से कम इस वक्त शहर में 2000 बच्चे हमारी किताबें पढ़ रहे हैं और किताबें आपस में चेंज भी करते हैं, बदलते भी रहते हैं। हमारा अज़्म है औरंगाबाद शहर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और पूरे देश के हर मोहल्ले में एक लाइब्रेरी खुले जो बच्चों के लिए है, मोहल्लों में हो। बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में आपको जाता नहीं है। इस तरह हमने कंसेप्ट शुरू किया है मोहल्ला लाइब्रेरी, जिससे बहुत फ़ायदा बच्चों को हो रहा है। हमने मोहल्ला लाइब्रेरी शुरू की थी। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी लॉकडाउन थी तो इस टोटली स्कूल बंद है, इसलिए बच्चे तो सिर्फ दिन भर खेलते ही रहते थे, कुछ बहुत शोर करते थे, जिससे कुछ जो पढ़ते थे बच्चे उनको बहुत डिस्टर्ब होता था और उनकी भी ऑनलाइन क्लास में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही थी। इसलिए हमने सोचा क्यों ना गली के बच्चों के लिए कुछ करें। फिर हमने सोचा गली में क्यों, बहुत सारे गलियों में ऐसे, इसलिए हमने पूरे मोहल्ला लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला किया। हमको पिछले साल चिल्ड्रन डे के मौके पर पप्पा ने 150 बुक्स गिफ्ट दी थी और हमारे पास और कुछ 150 बुक्स थी और उसमें पप्पा ने और 150 बुक्स डाल दिए। लाइब्रेरी हमने शुरू की जिसमें अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 500-600 साइज किताबें इसमें मौजूद हैं। रोज़ बच्चे आते हैं, एक एक बुक लेकर जाते हैं।